नाजरीन आप देख सकते हो ये मांगाम ब्रिज जो है ये 1993 में आकर जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर है जो सिंथन टॉप डक्सुम जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप दूसरा रूट पकड़े जो मतलब कोकरनाग से राइट लेफ्ट साइड में रोड जाता है जो आपको दूसरे साइड से वायलू पहुँचाएगा। एडवाइजरी जारी की है मतलब कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने किया जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो दूसरा रोड जो दिवलगाम अडीगाम रोड है वहीं से चले जाए। आप देख सकते हो कि पूरा जो मिश्रा वे भी पूरा बंद किया गया है। गाड़ पाका लगती है तो डाल फसल ऐसे जो कोकरनाग भी आए हैं स्पॉट पर क्योंकि यहाँ पर टूरिस्टों का रश भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो ऐसे जो कोकरनाग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी सर बोलिए कि मतलब ये कैसा है वाका कैसे हुआ? पुराना पुल है जिन्होंने विकन कंपनी ने बनाया था वो फिलहाल से डैमेज हो गया है। अभी हमने एक नया रास्ता बनाया है जो अडीगाम से बालू डायरेक्ट निकलेगा जिससे भी यात्राएं जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो सब उदय से निकल सकते हैं। मतलब कहाँ से इनको जाना है? अडीगाम से बालू 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 मतलब इसको कितने दिन लगेंगे इस जो मेन पुल है इसको कितने दिन लगेंगे? अभी एक महीने तक तैयार हो जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी जो मतलब इस जी जी हम ट्राई करेंगे कि इसको प्रिपेयर करता है एज सून एज पॉसिबल दो तीन दिन के अंदर। जी जी आपकी तरफ से भी लोगों से गुजारिश की जाती है जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब अडीगाम टूर दिवलगाम रास्ता चुनना है चाहिए क्योंकि ये मतलब पूरा ब्लॉक है।
नाजरीन आपने सुना, ये मतलब NHIDCL अलग के यहाँ पर इंजीनियर बैठे थे। इनका कहना है कि जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो उड़गाम रास्ता चुने जो आपको देवलगाम के साइड में आ सकता है, और ये जो जो ब्लॉक रोड हुआ है इसको कम से कम एक महीना लगेगा। इनका ये कहना है कम से कम इसको एक महीना लगेगा। जनाब तुम तो कपर कुर्ते रोड बाईपास गोवा कैट गोवा हेडफोन